हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को काइट एप्लीकेशन पे लाइक जो शेयर होते हैं वो किस तरीके से परचेस कर सकते हैं ये दिखाने वाला हूँ। सो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है आपके सामने लाइव रहने वाला है। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी काइट एप्लीकेशन पर। आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा हमने लाइक इंटरफेस ओपन करके रखा हुआ है। आप सबसे पहले आपको जो वॉच लिस्ट है यहाँ पर अपने जितने भी शेयर्स हैं जिन पर आप नज़र रखना चाहते हो या जिन्हें भी बाई करना चाहते हो उन्हें यहां पे अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अब मान के चलो मुझे यहां पे गेटवे के जो शेयर्स हैं ये बाई करने हैं, तो मैं गेटवे पे क्लिक करूंगा, कुछ इस तरीके का जो चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। अब हम सबसे पहले यहां पे बाई या सेल करने से पहले नीचे इनकी सारी की सारी जो चीजें हैं वो देख लेंगे कि अलर्ट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, हाई लो सब कुछ कर देंगे। एंड इसके साथ आप चाहो तो यहां से व्यू चार्ट भी कर सकते हो, यहां से आप पूरा का पूरा जो व्यू चार्ट है वो भी कर सकते हो। तो आपको जो चार्ट है वो डिटेल में देखने लग जाएगा, बट यहां पे हम सीधे अभी ज्यादा डिटेल पे नहीं जाते हैं। हम सीधे करते हैं इस पे क्लिक एंड यहां पे फिर हम करेंगे बाई पे क्लिक। बाई पे क्लिक करने के सामने हमारे पास कुछ इस तरीके का एक लाइक ऑप्शन आ जाता है। अब प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्राइस है वो 16.15 है। यहाँ पे मैं मार्केट प्राइस पे कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जीरो हो जाता है। अब जैसे ही जीरो का मतलब जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है उसी पे ये जो है वो बाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा बैक चलते हैं एंड यहाँ पे जो लिमिट है वो मैं सेट कर देता हूँ 65 एंड इसके लिए आपको नीचे लाइक जो बाई की वैल्यू है वो भी दिख जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आप प्रोडक्ट में देख सकते हो इंट्राडे या फिर लॉन्ग टाइम, तो फिर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए यहां पे परचेस करना है तो मैंने यहां पे लॉन्ग टर्म जो है वो इन्वेस्ट लाइक सेलेक्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद नीचे मार्केट पे आपको रखना है अगर आप मार्केट पे। अब यहां पर आप सेट स्टॉप लॉस भी कर सकते हो अगर आप इसको ऑन करोगे, बट मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूं तो मुझे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। एंड फिर यहां पर आप जो टारगेट है वो भी सेट कर सकते हो, टैग भी अपने सेट कर सकते हो। वेल ये सारी चीजें मैं नहीं करने वाला हूं एंड सीधे सीधे मैं आपको जो है वो बताने वाला हूं। एंड ऊपर जो है ये आपका रेगुलर ऑर्डर ही रहेगा, राइट। तो यहां पे मैं 2000 रुपए के जो शेयर है वो बाई करने वाला हूं, तो मैं एक एवरेज प्राइस ले लेता हूं। तो एक काम करते हैं, पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कि अगर 64 के हिसाब से, हालांकि शायद मुझे उसे कम पे ही मिलेगा, तो एक काम करते हैं 64 के हिसाब से पहले कैलकुलेट करते हैं अपने कैलकुलेटर पे एंड उसी के बाद हम यहाँ पे जो वैल्यू है वो डालते हैं। हालांकि इसका प्रोसेस जो है सीधा सीधे ऐप में भी रहेगा, बट बहुत सारे लोग ढूंढ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं उन्हें यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 2000 हमने डाला, डिवाइड बाई 64 हम कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुल वहीं 31 शेयर के आसपास आ जाते हैं। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 32 शेयर जो हैं वो परचेस कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद क्वांटिटी में हम 32 डालेंगे एंड इस तरीके से हो चुका है। एंड यहाँ पर हम स्वाइप टू बाई कर देंगे। आप यहां पर देखोगे कि जो स्वाइप टू बाई के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं, यहां पे आपको स्वाइप टू बाई पे क्लिक कर देना। तो हम यहां पे करेंगे स्वाइप एंड यहां पर आप देखो कि सबसे पहले तो ये एक मेरे सामने नोटिस आई है कि मेरे में जो फंड है ये 1970 अवेलेबल है एंड 2025 चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए है, ठीक है। तो हम करते हैं इसको सबसे पहले तो क्लोज, ठीक है। तो मुझे जो स्टॉक्स हैं वो कम करने पड़ेंगे, सारा का सारा प्रोसेस फिर से वहीं रहेगा। बाई पे जाएंगे, मार्केट, क्वांटिटी एंड पिछली बार हमने 32 डाले थे, इस बार एक काम करते हैं 28 डाल देते हैं एंड सारी चीज़ें रेगुलर रहेंगी, प्राइस मार्केट प्राइस ही रहेगा, फिर 28 रहेगा, टाइप मार्केट टाइप रहेगा। सारी चीज़ें करने के बाद अब हम 28 पे स्वाइप टू बाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है एंड पूरा का पूरा हमारा जो परचेसिंग है वो हो चुकी है। अब ऑर्डर पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको अपना जो प्रीवियस ऑर्डर है, लाइक जो अभी आपने स्टॉक खरीदे हैं, उसको देखने के लिए यहाँ पर आप देखोगे आपको एक ऑर्डर का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको इस ऑर्डर के सेक्शन पर आ जाना है एंड इस ऑर्डर के सेक्शन पे आते ही आप यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहला हमारा जो था अभी आप लोगों के सामने इसमें रिजेक्ट हुआ, दूसरा जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, हमें जो एवरेज प्राइस मिला है वो 63.30 के आसपास गया है। ये यार थोड़ा मेरा बैड लक है बिकॉज अभी जस्ट जब मैं वीडियो बना रहा था तो इसका जो प्राइस था वो 62.75 के आसपास गया, तो बीच में आप कह सकते हो 30 और 25 मुझे अप्रॉक्स 55 पैसे का जो है पर शेयर के आसपास नुकसान हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलता है, ठीक है, इतना तो मूवमेंट होती रहती है, बट मुझे 63.30 के आसपास जो है ये एवरेज प्राइस पर आया। आपको एग्जीक्यूटर दिख रहे हैं, साथ में यहाँ पे आपको ओपन ऑर्डर्स में भी यहाँ पे दिख जाएंगे, यहाँ पे इंट्राडे दिखेंगे, इसी के साथ आप पोर्टफोलियो में भी देख सकते हो। तो पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स में इधर रहेगी, अगर आप पोजिशंस में आओगे तो इधर जो है आपको दिख जाएगा। तो टोटल में ये जो होल्डिंग्स हैं इस पर मुझे फिलहाल 1.40 रुपये के आसपास का जो लॉस चल रहा है वो चल रहा है, तो इसमें कुछ कमीशन वगैरह भी या फिर चार्जेस वगैरह कटते हैं, तो इस पर भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप इस तरीके से काइट में जो अपने लाइक से स्टॉक्स हैं परचेस करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो।